Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So welcome back to another makeup video. So आज मैं बहुत ही excited हूँ review करने के लिए because I have received a product from She Glam. So this is She Glam Playground makeup review. तो आज मैं इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू दूंगी और इसके साथ ही साथ जो है मैं इसके स्वॉचेस भी करूंगी और इसी मेकअप को यूज करके मैं एक सिंपल सा मेकअप लुक भी क्रिएट करूंगी. सो गाइज, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नहीं आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ये जो She Glam Playground मेकअप जो है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय चिल्ड्रंस पेंटिंग एंड ऑल्सो दिस इज इंस्पायर्ड बाय स्ट्रीट ग्रेफिटी को लेके इन लोगों ने ये मेकअप प्रोडक्ट जो है क्रिएट किया है. सो जैसे आप देख सकते हो इसका जो पैकेजिंग है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग आई कैन से, बिकॉज मैंने कोई भी ऐसा पैकेजिंग जो है मेकअप प्रोडक्ट लाइन में नहीं देखा है. सो She Glam जो है एवरी टाइम कोई भी मेकअप लॉन्च करता है, इट कम्स अप विद अमेजिंग पैकेजिंग. सो आप जैसे देख सकते हो इसका पैकेजिंग जो है, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग. सो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं और एक एक करके मैं इसका प्रोडक्ट रिव्यू भी करूंगी. सो ओपन करने के लिए आप जैसे देख सकते हो इसमें एक छोटा सा डिजाइन कार्डबोर्ड भी दिया हुआ है टू ओपन. लाइक दिस इज सो कूल. इसको ओपन करके देख लेते हैं इसका इनर पैकेजिंग कैसा है करके. सो जैसे आपने देखा आउटर पैकेजिंग तो वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग था. इसका इनर पैकेजिंग देखिए गाइस, वाओ, दिस इज लाइक सुपर गुड, सुपर अमेजिंग पैकेजिंग. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिला है ये फर्स्ट रो जो है, आई गॉट लाइक सिक्स ऑफ कलर स्टिक्स और ये जो है स्लाइड ग्लॉस है एंड दिस इज आई शेडो पैलेट एंड दिस इज मेकअप ब्रशेस और इसके साथ ही साथ जो है मुझे क्रेयॉन्स मिला है और उसके साथ जो है यहाँ पे मुझे मिला है मेकअप पैलेट. और अब जो है मैं एक एक करके आपको स्वॉचेस करूंगी और अप्लाई करके भी दिखाऊंगी इसको. तो चलिए मैं यहाँ पे जो है कलर स्टिक्स के साथ पहले स्टार्ट करने वाली हूँ. इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह है. तो चलिए इसका इनर पैकेजिंग भी देख लेते हैं. तो देख सकते हो इसका इनर पैकेजिंग भी, इट्स लाइक सुपर गुड. ये पहला जो शेड है दिस इज शिमर क्राउनेट. सो यहाँ पे जो है स्वॉच कर लेते हैं इसको. सो आप जैसे देख सकते हो कि ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है, इसका पिगमेंट जो है बहुत ही अच्छा है एंड दिस इज लाइक सुपर अमेजिंग. इन शेड यहाँ पे मैं स्वॉच कर रही हूँ, दिस इज साइबर ब्लू. कलर स्टिक्स के पैकेजिंग जो है ऑलमोस्ट सबके सिमिलर है और दिस इज द सेकेंड शेड. सो दिस इज द सेकेंड शेड. सो दिस इज साइक फ्लाई, आई मीन दिस इज समथिंग लाइक पर्पल कलर का है. दिस इज लाइक पर्पल पिंक कलर शेड है. ये भी बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जा रहा है एंड इट इज सुपर डुपर पिगमेंटेड. फोर्थ शेड यहाँ पे जो है दिस इज चार्म्ड. फिफ्थ शेड यहाँ पे जो है दिस इज ये पिंक वेलोर है. सो ये जो है दिस इज लाइक अमेजिंग पिंक शेड है ये. सो आप जैसे देख सकते हो ये भी, इसका भी जो शेड जो है बहुत ही अच्छा है एंड इवन दिस इज लाइक सुपर पिगमेंटेड. यहाँ पे मैं स्वॉच कर रही हूँ, दिस इज सैटर्न रिटर्न, लाइक अ डार्क ब्राउन शेड है ये. सो इसको भी जो है स्वॉच कर लेते हैं. इसमें थोड़ा बहुत शिमर भी है ब्राउन के साथ. दिस इज अ मल्टी फंक्शनल कलर स्टिक. आप इसको जो है आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो, लिपस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो और ये पिंक लाइट शेड्स जो है आप इसको ब्लश की तरह भी यूज कर सकते हो. तो ये तीनों ही, आई मीन ऑल द शेड्स आर लाइक सुपर अमेजिंग, सुपर पिगमेंटेड और जैसे आप देख सकते हो कि सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शेड बिकॉज आप जैसे देख सकते हो ये पूरे ही मैट शेड है बट ये वाला जो है मैट भी है, इसके साथ ही साथ ये शिमर भी है इसके अंदर. तो ये था कंप्लीट सिक्स शेड्स के स्वॉचेस. और शेड ये कलर स्टिक जो है इट्स जस्ट $4.99 और या गाइज, आप इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल सेट आप सिर्फ सिंगल शेड्स भी ले सकते हो. अपने लिप्स के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पिंक वेलोर शेड और आपने देखा इसका एप्लीकेशन वॉज लाइक सुपर इजी और बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है और इसके साथ ही साथ सो हाईली पिगमेंटेड कलर स्टिक है ये एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी तरह से अप्लाई होगा. सेकेंड जो है यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाली हूँ, दिस इज She Glam मेरी
गो राउंड वाटर एक्टिवेटेड आई शेडो पैलेट है ये। इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह है। तो इसका इनर पैकेजिंग भी देख लेते हैं। पैकेजिंग कुछ इस तरह है, आप जैसे देख सकते हो इसका पैकेजिंग जो है, दिस इज अ स्टील यू नो बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग। सो स्कूल में जैसे हम लोग यू नो पेंसिल बॉक्स लेकर जाते हैं, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इसमें आपको मिल जाते हैं 6 शेड्स और ये पूरे ही कलर्स जो है, इट्स लाइक सो वाइब्रेंट, सो गुड। तो बेसिकली इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इसके साथ आपको ये छोटा सा वाटर स्प्रे भी मिल जाता है। सो इस आई शेडो को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे यू नो ब्रश भी मिला हुआ है इसके साथ। और आप जैसे देख सकते हो इसका आउट पैकेजिंग कुछ इस तरह है और इसमें आपको 4 डिफरेंट आई शेडो ब्रशेस मिल जाते हैं। और ये ब्रशेस के डिजाइंस भी इट्स लाइक सो कलरफुल एंड ब्रशेस के क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है और इट लुक्स लाइक अ सिंथेटिक ब्रश। और इसको अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका क्वालिटी कैसा है करके। ब्रशेस की मदद से आप अपने फेस पेंट भी कर सकते हो और अपना यहाँ पे जो है आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट तो आप ये ब्रशेस की मदद से ये कलर स्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। आई शेडो को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। तो जो है एक्टिवेट करना है पहले, सो टू एक्टिवेट दिस ऑल यू नीड इज दिस स्प्रे बॉटल। तो जो है जल्दी स्प्रे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश पे इस तरह स्प्रे कर लिया है। मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको स्वॉच कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं एक आई शेडो लुक क्रिएट करूंगी। तो यहाँ पे जो है मैं पहले पर्पल कलर का जो है स्वॉच कर रही हूँ। सो आप जैसे देख सकते हो गाइज, दिस इज अ पर्पल शेड और ये पानी से एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप शायद ऐसे अप्लाई करोगे तो ये इतना इंटेंस नहीं दिखेगा जितना अभी दिख रहा है। शायद ये सूखने के बाद देखेंगे किस तरह दिखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पल शेड यूजिंग दिस येलो शेड। तो येलो शेड जो है यहाँ पे स्वॉच कर लेते हैं। मैं ये ब्लू शेड जो है स्वॉच कर रही हूँ। मैं ये वाला पिंक शेड स्वॉच कर रही हूँ। आई विल बी स्वॉचिंग दिस पिंक शेड। जो है मैंने यहाँ पे स्वॉच कर लिया है। सो ये लास्ट शेड जो है इट्स अ व्हाइट शेड। तो और ये पूरा ही एक्वा कलर का है और आप जैसे देख सकते हो इसके शेड्स भी बहुत ही यू नो इट्स लाइक यूनिक, इट्स नॉट अ सेम शेड। और इसको लेके आप फेस पेंटिंग भी कर सकते हो, अपना यू नो आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। जो है आई विल बी अप्लाइंग दिस यू नो पीच शेड ऑन माय आईज। जैसे मैंने बताया था कि ये वाटर से एक्टिवेट होता है, तो मैंने यहाँ पे वाटर स्प्रे लगा के देन आई एम अप्लाइंग ऑन टू दिस। तो यहाँ पे जो है मैं पर्पल शेड ले रही हूँ अपने आईज पे अप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं ये पर्पल शेड किस तरह दिखता है करके। सो इन शेड्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने जो है यू नो आई अप्लाइड पिंक एंड पर्पल। तो ये जो है ड्राई होने के बाद ये पूरा ही मैट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा बहुत अभी जो है ड्राई हो रहा है एंड इट्स बिकमिंग मैट। और इसमें आपको पूरे ही ब्राइट बोल्ड शेड्स मिल जाएंगे। इस शेड्स को यूज करके आप एक अच्छा सा यू नो मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। आप फेस पेंटिंग भी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके फेस में यू नो स्प्रेड नहीं होगा और ये स्मज भी नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो ये स्मज प्रूफ आई शेडो है। सिंगल आई शेडो पैलेट भी खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। तो आपको ये वाला जो आई शेडो पैलेट है ये सिर्फ आपको यू नो यू विल गेट इट फॉर $6.99 के लिए ये वाला आई शेडो पैलेट मिल जाएगा। तो ये था मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। ये पूरे ही पैलेट के साथ शीन ने एक ग्लॉस भी ऐड किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हो ये वाला जो है शी ग्लैम स्लिप एंड स्लाइड ग्लॉस है। ये है इसका आउट पैकेजिंग। चलिए देख सकते हो ये जो इसका इनर पैकेजिंग है ये भी बहुत ही कलरफुल है और ये आता है ट्यूब में। जो है आप एक वेट लुक क्रिएट करने के लिए ये वाला जो ग्लॉस है आप यूज कर सकते हो। अगर आपको आईज पे या चीक्स पे या आपको लिप्स को जो है
आपने जो मैक यूज किया था उसको अगर आपको एक वेट लुक देना है तो आप उसको इस ग्लॉस को यूज करके आप एक वेट लुक भी दे सकते हो। मैं एक ब्रश की मदद से अपने आईज पे अप्लाई करूंगी। मेकअप पैलेट भी मिल जाता है, सो आप जैसे देख सकते हो ये है मेकअप पैलेट, और इसका मेकअप पैलेट का कलर आप जैसे देख सकते हो ये कितना कलरफुल है, और इसका पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक मैंने देखा है अमेज़ॉन में बहुत सारे मेकअप पैलेट मिलते हैं पर वो स्टील के मिलते हैं, और ये वाला जो है ये बहुत ही इट्स लाइक सो डिफरेंट सो यूनिक। तो गाइज यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेकअप पैलेट, और यहाँ पे जो है ग्लॉस थोड़ा बहुत जो है मैं इस पे ले रही हूँ, तो यहाँ पे जो है थोड़ा ग्लॉस यहाँ पे मैंने ले लिया है इस पैलेट पे, और यहाँ पे मैं एक ब्रश की मदद से इसको जो है थोड़ा अपने आईज पे अप्लाई करूंगी। तो आप जैसे देख सकते हो ये जो है अभी मैट फिनिश है, अभी आपको ग्लॉस फिनिश चाहिए तो इसको जस्ट ये ग्लॉस आपके आईज पे अप्लाई करना है, तो ये जो है पूरी तरह से ग्लॉसी लुक देगा। जो है आप जैसे देख सकते हो मेरा लिप्स जो है ये इट्स अ मैट शेड, थोड़ा बहुत यूज करके आप अपने लिप्स को जो है ग्लॉसी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा ले लिया है बाय अप्लाइंग, तो यहाँ पे जो है मैंने ये ग्लॉस लिया है इसको अप्लाई करने के लिए। सो आप जैसे देख सकते हो गाइज ये मैट था, अभी इट्स लाइक कम्प्लीटली अ ग्लॉसी फिनिश लुक। जो है थोड़ा ब्लश की तरह भी मैं अप्लाई करूंगी इस कलर स्टिक को लेके, सो इसको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से इसको जो है ब्लेंड कर ले रही हूँ। ओके, जैसे इन लोगों ने बताया था कि ये वाला जो है इट्स अ मल्टी फंक्शनल कलर स्टिक, तो आप इसको जो है एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो ये बहुत ही एक नेचुरल लुक दे रहा है एज अ ब्लश, तो इसको जो है आप आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो, वरना इसको लिपस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो और ब्लश की तरह भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको जो है मैंने ब्लश की तरह यूज किया है, तो इसको भी जो है आप ग्लॉसी लुक दे सकते हो। ग्लॉस को जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है, और इस ग्लॉस को जो है आप थोड़ा अपने चीक्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो ये मैट लुक से ये ग्लॉसी लुक फिनिश दे रहा है, और ये कितना ग्लॉसी है, ये कितनी अच्छी तरह से आपको एक वेट लुक फिनिश दे रहा है। इस पूरे ही कंप्लीट मेकअप किट से मुझे यहाँ पे क्रेयॉन्स मिला है, जैसे देख सकते हो इसका पैकेजिंग भी बहुत ही कलरफुल है, और ये क्रेयॉन्स जो है मैं यूज नहीं कर सकती, पर डेफिनेटली अगर आपके बच्चे हो तो आप बच्चों को दे सकते हो ड्रॉइंग करने के लिए। तो ये 6 डिफरेंट क्रेयॉन्स मिल जाएंगे, और 6 डिफरेंट क्रेयॉन से आपके बच्चे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये वाला जो मेकअप सेट है आप गिफ्ट कर सकते हो। अभी जो है हैलोवीन आने वाला है, हैलोवीन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैलेट आई कैन से, बिकॉज इसमें सब चीज जो है इट्स सो कलरफुल वाइब्रेंट, एंड सिंस इट्स अ प्लेग्राउंड एंड इट्स लाइक सो प्लेफुल, तो इसको परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली शीन वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वरना लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और गाइस अगर आपको ये पूरा कंप्लीट सेट परचेज नहीं करना हो तो दैट्स फाइन, आप इस पे जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।